यह शेरनी जेब्रा को पीछे से पकड़ने आगे बढ़ती है। तभी जेब्रा अपने दो टांगों के बीच से शेरनी को देख लेता है और वह एमएस धोनी की तरह पीछे देखने में टाइम वेस्ट ना करते हुए 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने लगता है। शेरनी उसका पैर खींच के उसे नीचे गिराती है। तभी वह एक भैंसा अचानक कहां से टपकता है ये मुझे मालूम नहीं। भैंसा आते ही बोलता है, ये क्या चल रहा है? शेरनी बोलती है, यहाँ मजाक चल रहा है, तू अपना रास्ता नाप। सीधा जवाब ना देने पर भैंसा शेरनी पर टूट पड़ता है, लेकिन शेरनी कल्टी मारती है। भैंसा जेब्रा को ही शेरनी समझ के ठोकने लगता है। जेब्रा बोलता है, साले मैं जेब्रा हूँ, शेरनी उधर है। शेरनी दूर से हंसने लगती है। भैंसा शेरनी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तेरी माँ की रुख, भाई तू परा रहे, आराम कर, इसकी तो रुख साली। शेरनी बस दूर जाने का नाटक करती है। जेब्रा अपने दर्द के सहारे चलते हुए बोलता है, हमें तो अपनों ने जख्म दिए, गैरों में कहा दम था, मेरा पैर भी टूटा वही जहां भागने का चांस कम था। और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर की ओर भागने लगता है।